मिणुमूसुत केवली फणिदम मैं वंदना करूने शिव को पधारे जो सिद्ध हैं अतुल अव्यय सौख्य धारे भाई वही समय सार सुनो सुनाता जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, श्रीमद्भद्र बाहु श्रुत केवली भगवान की, श्रीमद कुंद कुंदाचार्य देव की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य आरिका रिक्षवासी पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। केवली भगवान छठवें से बारहवें गुण स्थान तक जो विराजमान रहते हैं, व्यवहार से द्वादशांग के ज्ञाता और निश्चय से निःशुद्धात्म स्वरूप के ज्ञाता, ऐसे श्रुत केवली के द्वारा दर्शाया गया और कुंद कुंद स्वामी के द्वारा यह लिपिबद्ध किया गया महाग्रंथराज आज हमारे हाथों में है। सौभाग्यशाली है, हमें दुनिया में दुनिया की बातें मिलती हैं, लेकिन अपनी बात, अपनी वार्ता, अपनी कथा, और अपनी कथा में भी विकारों को हटा करके निज शुद्धात्म तत्व की कथा कि मैं असली में कैसा तत्व हूँ जो वर्तमान में अनुभव में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं कैसा हूँ, कैसी क्षमता है, कैसी सामर्थ्य है मेरी, आखिर क्या स्वरूप है मेरा, क्या शक्तियां हैं मुझ में, ये सारी बात कहने वाला समय सार ग्रंथराज, जिसको सुनने के बाद में लगता है अब कुछ सुनना शेष ही नहीं रहा, जिसको अनुभव करने के बाद में कुछ भी अनुभव में शेष नहीं रहता। एक बार इस तत्व में रमने के बाद में अनंत काल तक के लिए अपने में ही रम जाते हैं, बाहर में आने की जिन्हें खबर ही नहीं रहती, आंखें मूंद जाती हैं और पता नहीं कब ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, सिद्धत्व का अनुभव कर लेते हैं। अहो अहो, ऐसा निर्ग्रंथों की अनुभूति से लिखा गया ग्रंथराज जिसे अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। सौभाग्यशाली है, सच पूछो तो समय सार में अनुभव करने का ही मन करता है, बस आंख मूंदे और अपने भीतर समाहित हो जाए। वैसे भी हमारी यात्रा अंदर से ही शुरू होती है और अंदर में ही पूर्ण होती है। बड़ी आनंद करने वाली यात्रा है यहाँ। जब आप शिखर जी को जाते हैं तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? जब आप शिखर जी जाते हैं तो आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होती है? बोलो, घर से। घर से यात्रा शुरू होती है, शिखर जी से नहीं होती, ध्यान रखना। शिखर जी का लक्ष्य बनाया है, शिखर जी जाने का लक्ष्य बनाया है, तो यात्रा शुरू कहाँ से होती है? घर से। मुहूर्त शोध करके आप लोग जाते हैं। पहले के समय में लोग जब यात्रा करने को निकलते थे तो कई कई दिनों तक यात्रा में लग जाता था। बैलगाड़ी में जाते थे, पहले तो फ्लाइट था नहीं कि सवेरे गए और शाम को लौट करके आ गए या कि दूसरे दिन लौट करके आ गए, ऐसा नहीं था। बैलगाड़ी में जाते थे, कुमकुम पत्रिका छपाते थे, सारे आसपास के रिश्तेदार लोगों को बुलाते थे और एक जलसा होता था। इसके बाद में कुमकुम तिलक लगा करके फिर वह
राजी खुशी शिखर जी की यात्रा को प्रयाण करती थी। यात्रा की शुरुआत घर से और यात्रा की पूर्णता जब तक घर पे ना आओ तब तक यात्रा की पूर्णता नहीं होती। अगर मान लो बीच में ही कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग कहते देखो बेचारा बीच में ही चला गया, यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया, घर तक नहीं आ पाया, घर तक नहीं पहुंच पाया। यात्रा घर से शुरू और घर पे ही पूर्ण। लेकिन आज तक बाहर की यात्रा करके भी हम अपने अंतर जगत की यात्रा को समझ ही नहीं पाए। यद्यपि बाहर की यात्रा में थकान है, काफ़ी समय यूँ ही चला जाता है, काफ़ी बातें होती हैं, वार्ताएं होती हैं, लेकिन अंतर जगत की यात्रा तो अद्भुत है। यहाँ पर कोई किसी से वार्ता नहीं, सिर्फ मौन ही मौन होता है। और जितना मौन सधता है, म ऊ और न मऊन, म यानी मध्य लोक, ऊ यानी ऊर्ध लोक और न यानी नरक लोक, तीनों लोक की यात्रा करना है तो बाहर से भी मौन हो जाओ और भीतर से भी मौन हो जाओ। एक एक शब्द में कितना रहस्य छिपा हुआ है। मौन तीन लोक का अधिपतित्व, तीन लोक का नाथ बनना है तो मौन तो रखना पड़ेगा। मौन का मतलब यह है किसी से बात करने का कोई भाव ही नहीं। किससे बात करूं? जिससे बात करना है वह तो बिना बोले भी समझता है जिससे बात करना है। उसके लिए भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव है तो भाषा की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा है तो शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको शब्दों पर नहीं जाना है। कहते हैं ना गुजराती में क्या कहते हैं, हृदय पर जो प्रभु नो आसन होए, हृदय पर जो प्रभु नो आसन होए अने मन पर जो प्रभु नो शासन होए, अने मन पर जो प्रभु नो शासन होए तेनो जीवन हमेशा मधुबन होए। हाँ, हमेशा मधुबन होता है उसका जीवन, उसको कोई दुनिया की दरकार नहीं होती, क्योंकि मन पर प्रभु का शासन है, हृदय पर प्रभु का आसन है। और क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए प्रभु तुझे पाकर के। लेकिन प्रभु को जब तक नहीं पाता, निज प्रभु को जब तक नहीं देखता, तब तक बाहर के इन संसारी जीवों को, अज्ञानी जीवों को, भोगी जीवों को, विषयी जीवों को दिन भर देखता है, देखता है, टुकुर टुकुर देखता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं से बात करता है, उन्हीं के लिए क्रियाएं करता है, सब कुछ उनको समर्पित कर देता है। आज तक चेतनात्मन तूने अपने आप के लिए क्या समर्पित किया, अपने परमात्मा के लिए क्या समर्पित किया बता? 24 घंटे में 24 सेकंड भी क्या अपनी परमात्मा के लिए दिए? नहीं, रुचि ही नहीं है। जिस परमात्मा ने मुझे मेरी निधि बताई, मेरी अपनी खोई निधि का ठिकाना बताया, उस परम परमात्मा प्रभु तीर्थंकर देव के लिए मिलने का भी अंतर में कोई समय नहीं है। प्रभु के पास में भी जाता है तो कभी द्रव्य से मिलता है, कभी माला से मिलता है, कभी ग्रंथ से मिलता है, लेकिन निर्ग्रंथ स्वरूप अपने परमात्मा से तो मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। सोचना आप लोग, माता जी मंदिर जाने के बहाने क्या है ना, बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाता है, नहीं तो घर पे तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, लोग देखते रहते हैं किससे बात करती हैं, कितना मिलती है, बहुत दिक्कत है। कम से कम मंदिर के निमित्त से आ जाते हैं, लोगों का चेहरा देखते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ, घर भी गली में है तो किसी का चेहरा दिखता ही नहीं है, दीवारें दिखती हैं। हे भगवत आत्माओं, क्या होगा तुम्हारा? अगर तुमने दुनिया को देखा भी तो क्या मिला बताओ? क्या मिला दुनिया को देखने से? उनकी हरकतें, उनकी नादानी, उनकी अज्ञानता, बस यही। ये क्या खा रहा है, कैसा चल रहा है, क्या पहना है, कैसी एक्टिविटीज़ है इसकी, यही देखा ना? क्या मिला उससे? अगर तुम्हें देखना ही है,
पर पदार्थों को तो चलो देखो 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 खूब देखो, लेकिन ऐसे पर पदार्थ को देखो जो पर को देखते ही नहीं, जो पर को देखते ही नहीं, ऐसे परम प्रभु परमात्मा को देखो। वाह, जो किसी को देखते ही नहीं। कम से कम वो शिक्षा तो मिलेगी कि चेतन आखिर तू कब तक देखता रहेगा, कब तक देखता रहेगा इस दुनिया को जहां तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मेरी तरफ देख। हाँ, मेरी तरफ देख जहां वीत रागता ही वीत रागता है, न राग कर न द्वेष कर। दुनिया की तरफ देखेगा तो राग और द्वेष ही हासिल होगा, या तो कोई राग करेगा या फिर कोई द्वेष करेगा। लेकिन ध्यान रख, बहुत महत्वपूर्ण बात है, तूने कभी अपने इस मानव देह के ऊपर दृष्टिपात किया? न स्वयं की प्रशंसा कर न घृणा, न स्वयं की प्रशंसा कर न घृणा। क्यों? क्योंकि अपनी तारीफ करना अब तू बंद कर, अपनी तारीफ करना बंद कर, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाए ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई प्रकार की अनुकूलता तुझे नाम कर्म ने नहीं दी है इस शरीर के लिए कि तू अपनी पीठ को थपथपा सके। इसलिए अपनी तारीफ और प्रशंसा करना बंद कर। ये शरीर ही तुझे ऐसा मिला है कि तू अपनी पीठ तो थपथपा नहीं सकता, थपा थपाएगा तो यहाँ पर, पीठ तो थपथपा नहीं सकता, ध्यान रखना। दूसरी बात, स्वयं से घृणा करना भी, नफरत करना भी बंद कर। क्यों? हाँ, क्योंकि स्वयं को लात मार सके ऐसी भी ताकत तुझे तेरे कर्मों ने नहीं दी है। बात समझने की है, ना तो घृणा कर और ना ही प्रशंसा कर। तो क्या करूं? शांत भाव से रह। आगे कुंद कुंद महाराज कहने वाले, नादा जो सूद सोचे वह आत्मा तो जैसा है वैसा है, बस सहज सहज रहो। वाह, बस न राग न द्वेष, ऐसी दशा, न अपने आप को हीन मान और न ही अपने आप की झूठी प्रशंसा कर। अपने आप को हीन मानना भी बहुत बड़ा पाप है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कभी भगवान बन ही नहीं सकता, मैं व्रती बन नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ करने जैसा हूँ ही नहीं। क्या है? जिसने अपने आप को इतना दीनहीन मान लिया, वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। मानस को उन्नत रखो। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस उन्नत है उसका भाग्य भी समुन्नत होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, तो भगवान है निश्चय से। भगवान हो सकता है जब पर्याय में प्रगटता आ जाएगी, जब अपनी दशा में, जब अपने पुरुषार्थ से तेरे भीतर में वो भाव जागृत होगा, तो तेरा छिपा हुआ परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा। तुझ में वो सामर्थ्य है, हर आत्मा में वो सामर्थ्य है, हर आत्मा परमात्मा हो सकता है। कितनी बड़ी बृहद घोषणा की है प्रभु ने, तो भगवान हो सकता है। हम तो व्रती नहीं बन सकते, बहुत कम एक के दुख के व्रती हैं अहमदाबाद में, बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है। हैसियत क्या चाहिए? कोई धन दौलत चाहिए? जो धन दौलत का परिग्रह वो कम करना है, यह तो बहुत इजी हो गया और सरल हो गया। इकट्ठा करना ही नहीं है, जो तुमने व्यर्थ का कचरा इकट्ठा करके रखा है उसको अलग करना है। व्रती हो जाओगे, पंच अणुव्रतों को धारण करोगे, व्रती हो जाओगे, और फिर कर्मों की भी इतनी हैसियत नहीं जो तुम्हें नरकों में डाल दे, कर्मों की भी इतनी हैसियत नहीं जो तुम्हें पशु गति में ले जाए, नहीं हैसियत उनकी। नियम से जो व्रती बनेगा वह स्वर्ग में ही जाएगा। सिद्धांत है ये, कर्म सिद्धांत है। अगर अपना भव सुधारना चाहते हो तो व्रती बनो, व्रतों को अंगीकार करो, वरना जिसकी दुर्गति का, बुरी आयु का बंध हो जाता है उसको व्रत ग्रहण करने का भाव भी नहीं आता। एक सम्यक दृष्टि जीव व्रती हो जाए तो कहना ही क्या। सम्यक भी होता है तो आचार्य कहते हैं वह नरक में नहीं जाएगा, पशु नहीं बनेगा। हाँ, पक्की बात है यह।
तो फिर पहले से आयु बंद हो गया हो तो, हाँ पहले से आयु बंद हो गया है और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो भी पहली नरक पृथ्वी में ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष वान भवन शंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। वाह क्या महिमा है, सम्यक्त की इतनी महिमा है रे चेतन। तो जब व्रती बनेगा तो उसकी महिमा शब्दों से बखानी नहीं जाती, देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अपने अस्तित्व की खबर नहीं है तुझे कि तेरे अंदर क्या क्या शक्तियां भरी पड़ी हैं। अपने अस्तित्व की खबर नहीं होना ही अस्वस्थता है। बहुत सुंदर बात है ये, हम तो अस्वस्थ हैं। अरे तुम क्या अस्वस्थ हो, जब तक अस्तित्व की खबर नहीं है तब तक सब अस्वस्थ हैं। अस्थि की मस्ती में जी रहे हैं, सुनना बड़े ध्यान से। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, हड्डी हड्डियों की मस्तियों में जी रहे हैं, हड्डियों के ढांचों में जी रहे हैं, उसी को अपना मान रहे हैं। अस्तित्व की खबर नहीं है, अस्थि की खबर तो है। ये हड्डी काम नहीं कर रही है, पैर की हड्डियां अब पता नहीं बज रही हैं, चलते नहीं बन रहा है। चलो अहमदाबाद चलो ऑपरेशन कराओ, आए दिन रोज लोग आ रहे हैं। काहे को आए भैया, अस्थि को ठीक कराने आए हैं। मन में आता है अपने अस्तित्व की मस्ती में कब जियोगे, अपने अस्तित्व को कब जानोगे। अस्तित्व को जान लिया तो ये हड्डियां मिलेगी नहीं, ज्ञान शरीरी बन जाओगे, ज्ञान शरीरी। अस्तित्व की, अपनी अस्थि की मस्ती में जीने वाले अपनी हस्ती का उद्घाटन करते हैं और एक दिन शीघ्रता से सिद्धों की बस्ती में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। पर जो अस्थि के अंदर जीते, अस्थि थी थ हड्डी में, हड्डियों के ढांचे में, ये मैं हूँ, ये मेरा है, उसी का पुष्ट, उसी का पुष्टिकरण हो रहा है। भगवान के पास में आकर के अभिषेक भी करते हैं, तुष्टि पुष्टि पुष्टि हो। किसकी पुष्टि हो, दृष्टि कहाँ जा रही है, देह की पुष्टि हो। हा? देह की नहीं प्रभु, मेरे आत्म स्वभाव का पोषण हो। कैसे, विशुद्ध भावों से बस आत्म स्वभाव की ओर दृष्टिपात करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व की खबर हो जाना ही अपनी स्वस्थता है। इसीलिए तो सब बीमार पड़े हुए हैं, बीमार हैं। जो बीमार होता है उसका उपयोग अपने अस्तित्व तक पहुंच ही नहीं पाता, अपने निजात्म स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे अभव्य जीव भगवान के समव शरण में आकर के भी बाहर ही बाहर में भटकते हैं, नृत्य देखते हैं, वहाँ के दृश्य देखते हैं, वहाँ का प्रकृति का सौंदर्य देखते हैं और यही देख देख करके चले जाते हैं। बेचारे बेचारे चले जाते हैं, प्रभु की दिव्य ध्वनि का श्रवण आनंद नहीं कर पाते हैं, चले जाते हैं। क्या दुर्दशा है इस जीव की, मौलिक वस्तु को बिना छुए चले जाए। और आचार्य भगवान कहते हैं, जीवो चरित दंसन नानठितो, अपने रत्न त्रय में जो स्थित है वही स्व समय है, वही तेरा समय है, वो तेरी पूंजी है, वही तेरी अमानत है। जड़ रत्न कितने इकट्ठे कर लिए, और लाओ और लाओ और लाओ, बन रहे लाला जी लाला जी लाला जी, दाव बन जाओ, विकारों को देना शुरू कर दो। कर्म की है ये अमानत, कर्मों को सौंप दो, जग को दे दी, जग की, जग को जड़ की दीदिया दे दो, नहीं चाहिए मुझे तो चिन्मय निधि चाहिए। कहाँ से लाओगे, कहीं बाहर में मिलेगी, कोई दुकान है, कोई शॉप है जहां ये निधि मिलेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की नहीं। रैण तयम न बट्टे अपान मुयतु अन्न दबियम्मी, क्या कहते हैं निमी चंद्र महाराज, आत्मा को छोड़ करके ये निधि तुझे बाहर में नहीं मिलेगी, तेरी निधि तुझ में ही छिपी है। तो क्या करूं,
अपनी निधि को पाने के लिए जिन्होंने अपनी निधि को पा लिया है उनकी सन्निधि में जा, उनकी सन्निधि में जा, उनकी समीपता में जा, उनके निकट में जाकर के बैठ। किसके निकट में जाके बैठते हो? जो व्यसनी है, पीते हैं, खाते हैं, बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, उन्हीं की संगति में रह रहे हो, क्या सीखोगे? अभक्ष खाना सीखोगे? जो नहीं पीना है उसको पीना सीखोगे? जो एक पल भी तुम्हें ऐसा नहीं जीना है, 24 घंटा तुम अपना जीवन को बर्बाद कर दोगे। इसलिए सबसे पहली व्यवहारिक जीवन की अनिवार्य शर्त है कि तुम संगति बदलो, कुसंगति को छोड़ो और सत्संग में आओ। सबसे पहली अनिवार्य शर्त है, क्योंकि जहाँ पर यह चित्त ठहरेगा वहाँ पर निश्चित रूप से वैसे ही उसके भावों का परिणमन होगा। अच्छे सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे परिणामों में निश्चित बदलाव आएगी। सपोज अभी आप सभी लोग किसी विवाह स्थान पर बैठे हैं, अगर किसी विवाह स्थान पर बैठे होते तो क्या ऐसे परिणाम होते आपके? बताओ, नहीं। वहाँ विषय भोग, पंचेंद्री का जो विषय है, मन के विषय, उसी में आपका मन प्रभावित होता। युद्ध स्थल पे जाने पर क्या ऐसे परिणाम हो सकते हैं? नहीं। वहाँ शत्रु का, बाहरी शत्रु का विनाश करने का भाव आता है। किंतु जब धर्म सभा में बैठते हैं तो भीतर के जो विकार रूपी शत्रु है उसका विनाश करने का भाव आता है। प्रभु, ये विकार जिसको मैंने पाल रखा है भवो भवों से, उसको मैं कैसे बाहर करूं, यही मात्र भाव आता है। कहते हैं ना, लखने आया छवि आपकी, मुझे अनंत गुण धाम मिला। लखने आया प्रभु छवि आपकी, मुझे अनंत गुण धाम दिखा। जब देखा है प्रभु आपको, मुझको मेरा भगवान दिखा, मुझको मेरा भगवान दिखा। प्रभु को देखा, निज का भगवान दिखा। दुनिया को देखने से कभी भगवान नहीं दिखा। इसलिए चेतनात्मन, तो उसी की बंदगी कर जहाँ तेरी भगवत्ता प्रकट हो सके। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे ये जिंदगी सवार दे। तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे ये जिंदगी सवार दे। तू बंदगी उसी की कर। लक्ष्य वितरकता का, ध्यान वितरकता का, अभ्यास वितरकता का, स्वाध्याय भी वितराग भावों को कैसे प्रकट करो, बस और कुछ नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं, एक ही लक्ष्य। लेकिन आपने दिन भर किसकी बंदगी की है बताइए ना? देह की, देह का पालन पोषण करने वालों की, जो शरीर को अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं, आभूषण लाते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, है ना? जो गुरु तुम्हारी आत्मा के ध्यान की बात करते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं, जो प्रभु तुम्हें आत्मस्थ बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रभु की तरफ तुम्हारा लक्ष्य कितनी देर रहता है? और जो परिवार के लोग तुम्हारे शरीर का ध्यान दे रहे हैं, और वो भी स्वार्थ से दे रहे हैं कि अच्छी रहेगी तो खाना वाना बनाएगी, ध्यान रखेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी, अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले यही टेंशन होता है कि अब बच्चों का क्या होगा। कितना स्वार्थ है, सोचो सोचो, कितना स्वार्थ भरा पड़ा है संसार के अंदर। कदाचित कोई कहे भी कि हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है, तो परमार्थ में लग जाओ ना। क्यों परमार्थ में नहीं लगते? लेकिन नहीं लग पाता, भीतर की गहराइयां हैं स्वार्थ की, राग की, राग की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं।
द्वेष की इतनी गहरी नहीं है जितनी कि राग की गहरी है। कर्म सिद्धांत कहता है कि राग भाव पहले से दसवें गुण स्थान तक रहता है लोभ कषाय के रूप में, किंतु द्वेष भाव एक से नौवें गुण स्थान तक ही रहता है, फिर चला जाता है। तो खतरनाक क्या है? राग। राग बहुत खतरनाक है, दसवें गुण स्थान तक रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मक्खी चिकनाई अच्छा लगता है उसको, और कफ आदि के ऊपर जाकर के बैठ जाती है, गीली मिठाई चाशनी के ऊपर बैठ जाती है और उसके जो पैर है पतले पतले वो उस पर चिपक जाते, फिर वो उड़ नहीं पाती और अपना प्राणांत हो जाता है उसका। उसी तरह से अरे जीव जाग जा, इस राग की मिठास में तो अनंत काल से चिपका हुआ है। जो भव मिलता है अब उसी भव के परिवारों से चिपक जाता है, उसी घर से चिपक जाता है। पता नहीं कितने घर और आने दो, और जमीन आने दो, आने दो, आने दो, और एक झटके में मौत के सब छोड़ करके चल देता है। किसके लिए इकट्ठा कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है सब परिवार के लिए, और पाप इकट्ठा कर रहा है सिर्फ अपने स्वयं के भोगने के लिए। एक भी तेरे साथ में भोगने में साथ नहीं आएगा। माल खाए कोई और मार खाए कोई, कितना पाप करता है। बदनामी भी हासिल हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, परिवार के लिए इकट्ठा कर लूं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर लूं। अगर उनके पुण्य में छेद पड़ गया तो बेटा वो करोड़पति भी रोड़पति हो जाएंगे, ध्यान रखना। जिनके लिए तो इकट्ठा कर रहा है कुछ भी नहीं रहेगा उनके पास में। जिनके लिए तो इकट्ठा कर रहा है धन, वो धन तो इनके काम में आए ना आए, लेकिन पाप भोगने में तेरे जरूर आएगा, ये निश्चित बात है, बच नहीं पाएगा। इसलिए समझ जा अभी भी वक्त है। आचार्य भगवान पुकारते हैं, क्यों कुम पुगल कम वदेसठ्यम, जो पुद्गल कर्मोपदेश में स्थित है, अर्थात जिसका उपयोग पुद्गल की तरफ जा रहा है, पुद्गल प्रदेशों में स्थित है, दिन भर पुद्गल 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 के लिए ही सब कुछ कर रहा है। चेतन आत्मा की बात ही नहीं करता, चेतन आत्मा की तरफ उपयोग ही नहीं जाता, क्या होगा चेतन? जैसे भाव करेगा तदनुरूप ही परिणमन होगा, निश्चित है। जैसे भाव करता है यह जीव वैसे ही कर्मों का भी बंध होता है, और जो करता है वही भोगता है। यह करोति स एव कर्ता, जो करता है वही उस फल का भोगता है, दूसरे भोगने वाले नहीं है। एक बार आचार्य जी ने कहा था कि पिता है अपने पूरे परिवार की चिंता करता है, छोटे बेटे की, बड़े बेटे की भी, पत्नी की भी, सबकी दिन रात चिंता करता है, और चिंता करके अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर समझता है, बहुत महान समझता है कि देखो मैं पिता हूँ, पिता का दायित्व अदा करता हूँ, तुम लोगों की दिन रात चिंता करता हूँ, दिन रात खाया के नहीं, पिया के नहीं, पूछता रहता है दिन भर। पुण्य किसका है पूछना चाहती हूँ, पिता का पुण्य है कि वो परिवार के बेटे बेटियों का पत्नी का पुण्य है? हाँ, परिवार का पुण्य है कि ऐसा पूछने वाला कोई मिल गया हमको, दिन रात जैसे कि नौकर पूछता है सेठ जी पानी ले आऊं, दिन भर उसका पूरा ध्यान रखता है। ऐसे पिता भी दिन भर उनका ध्यान रखता है, तो उन सब का तो तीव्र पुण्य का ही उदय है, और पिता बेचारा नौकर जैसा काम करता रहता है, उनके लिए करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है। काश अपनी चिंता करता तो भगवान बन जाता। दूसरों की चिंता कहलाती है और स्वयं का चिंतन कहलाता है। अगर स्वयं का चिंतन करता तो बार बार पिता न बनना पड़ता, बार बार ये संसार के रूप धारण न करने पड़ते, भगवान बन जाता। लेकिन अपनी तरफ दृष्टिपात नहीं करता। सोच लेना अभी तक क्या किया, क्या कर रहा है, अभी भी नहीं संभल पाएगा, फिर अनंत काल,
फिर जो एक बार चला गया ये त्रस पर्याय को छोड़ करके साधिक 2000 सागर की जो अवस्था मिलती है, इतनी मियाद मिलती है, पूरी होने वाली है, यहाँ से जो जाएगा फिर अनंत काल निगोद की और संसार की यात्रा करता रहेगा, भटकता रहेगा, क्या होगा फिर? मान लो कभी पेड़ बन भी गए और वहाँ पर पेड़ बन भी गए, कोई मुनिराज पेड़ के नीचे आकर के बैठ भी गए, तो पेड़ को क्या? वो तो कुछ जानता ही नहीं है, वो समझता ही नहीं है, ज्ञान है उसके पास में लेकिन वो क्षमता नहीं है, एकेंद्री जीव बन गया। तो ऐसे ये जीव भी अनंतो बार एकेंद्री बना, एकेंद्री बना, कीड़े मकोड़े बना, मुनिराज के शरीर पर भी चढ़ गया लेकिन क्या, ज्ञान था ही नहीं। बड़ी मुश्किल से पंचेंद्री सेनी हुए हैं। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, क्यों परे आय लई त्रसतणी। दुर्लभता से यहां तक आए हैं, पंचेंद्री बन गए, पंचेंद्री में भी सेनी बन गए, सेनी बन गए और किसी कुल में नहीं गए, जैन कुल में आए। जैन कुल में भी कई लोग भटक रहे हैं जिनको आज तक पता ही नहीं कि जिनेंद्र भगवान कैसे होते। कम से कम तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि आपको जिनेंद्र भगवान का ज्ञान हुआ। वीतरागता क्या होती है ये आपको भान हुआ सौभाग्य से। फिर भी वही धमा चौकड़ी, फिर भी वही आपा धापी और वीतरागता की और दृष्टिपात नहीं। वहाँ पर कैसे मैं जाऊँ, कैसे अपनी वितरागता को प्रकट करूँ, ये भाव नहीं, संयम तप त्याग को अंगीकार करने की भावना ही नहीं। क्या करें, चाहते तो हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। करोगे तो सब होगा, करोगे तो आप भगवान भी बन सकते हो, इतनी क्षमता है। एक बार अंदर से रुचि तो जागृत करो। पुग्गल कम्मो वदस वदे सठियम चतम जान पर समयम, पर समय बना औरों के लिए समय गुजारता रहा। जो औरों के लिए समय गुजारता रहे, पर के लिए समय गुजारता रहे वो पर समय है, और जो स्व के लिए समय सफल कर दे उसका नाम स्व समय है। आपको क्या अच्छा लगा, स्व समय या पर समय? हाँ, स्वसमय, च्वाइस तो बहुत अच्छी है वैसे आपकी। हाँ, लेकिन कर क्या रहे हैं, पर समय का काम। अनंत काल बीत गया, दृष्टि भी स्वसन्मुख नहीं आ रही है। हाँ, लीनता आना तो बहुत दूर है, दृष्टि भी स्व में नहीं आ रही है। स्वसन्मुख दृष्टि होगी, स्व का ज्ञान होगा, फिर स्व में स्थिर होना होगा। अभी तक पर में ही मजा समझ करके रखा है, लेकिन ध्यान रखना, क्षीर सागर जिसे समझा, नमक सागर का खारा है, चांद पूनम जिसे समझा, अमावस का अंधेरा है, चांद पूनम जिसे समझा, अमावस का अंधेरा है, क्षीर सागर जिसे समझा, नमक सागर का खारा है। बस अभी तो इतना कर लो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य को जान लिया, स्व का अवलोकन कर लिया तो पर का भी ज्ञान हो जाएगा। स्व पर तत्व का भान होना ये पहली अनिवार्य शर्त है मोक्ष मार्ग की। आप कहोगे माता जी हम तो अहमदाबाद के लोग हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं स्व क्या है और पर क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, जैसे पानी गिर गया, हमने कहा कैसे समझते हो, उन्होंने उदाहरण दिया हमें, जैसे पानी गिरा, हमारे भी कपड़े सूखे हुए थे, हमारे पूरे घर के और पड़ोस वाले के भी कपड़े सूख रहे थे, पानी गिरा, हम गए और हमने अपने कपड़े उठाए सारे, अपने अपने घर वालों के सबके कपड़े उठाए, पड़ोस वालों के, उससे हमें क्या लेना देना, हाँ वो तो गिले होते रहे, हमको स्व पर तत्व का पूरा भान है।
बहुत अच्छे से भान है क्या स्वतत्व है क्या परतत्व है। ये तो बच्चा भी समझता है कि ये मेरी घर की चीज है, ये मेरे घर की चीज नहीं है, ये मेरी चादर है, ये मेरी चादर नहीं है, मेरे वस्त्र हैं। ये बच्चा समझता है मेरी माँ की साड़ी कौन सी है, साड़ी देख करके चला जाता है बच्चा। हाँ कितना ज्ञान है ना स्वपर तत्व का, ये सब अप्रयोजन भूत है, ध्यान रखना। प्रयोजन भूत तत्व की ओर हमें प्रवेश करना है, समझना है कि प्रयोजन भूत तत्व क्या है जो आत्मा का हित करा दे। ऐसे स्वपर तत्व को जानना है और स्व से पर को भिन्न करना नहीं है, वो तो है ही, जानना है। और जानना ही नहीं, मोक्ष मार्ग में मानने की महत्ता है। किसकी महत्ता है? मानने की महत्ता है। स्व से पर को भिन्न मानो। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक है माता जी, आज से मान लेंगे। वैसे भी पत्नी बहुत कर्कश स्वभाव की है, बनता है ही नहीं हमारा, तो आज से पर ही मान लेंगे उसको। पड़ोसी है, दिन भर किचकिच चलती रहती है, बच्चा एक बात सुनता नहीं है। हाँ वो कहता है कि पापा मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करता हूं, तो आज से अपन भी कह देंगे कि तू पर तत्व है, जा। क्या ये सही भेद ज्ञान हुआ तुम्हारा? जहां नफरत है उसको पर मान लिया और जहां राग है उसको स्व मान लिया? नहीं, ये सही ज्ञान नहीं है। तो सम्यक ज्ञान कैसा है? आइएगा कल हम इस गाथा की और गहराई में डूबते हैं, क्योंकि बहुत उथले में रहते हैं, गहराई में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। ट्रूथ लाइज एट द बॉटम ऑफ द वेल। सच्चा मोती बहुत गहरे पानी में होता है और कोई गोताखोर ही बसरा मोती को निकाल करके ला सकता है। हम भी अवश्य गोता लगाएंगे। गोता वाले भी बैठे हैं ना यहाँ पर, यहाँ सुना है गोता भी है, सोता भी है क्या यहाँ पर? सोला है। क्या है? सोला, सोला, सोला। अच्छा अच्छा सब है यहाँ पर। अब देखते हैं कितना गोता लगाते हैं आप लोग अपने भीतर में। कोशिश पूरी करना है, अब ये समय खोना नहीं, शुरुआत कर ली है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगी कदम दर कदम बढ़ते ही चले जाएंगे। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सेत समान। हो चैतन्य चित, विषय कषाय दुख, तुझको पर का करता मान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल पर। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम,